श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय पढ़ाई और इसकी सब्जेक्ट दुनिया की पढ़ाई से बिल्कुल भिन्न है, और इसलिए यहाँ पास व पास विद ऑनर होने का तरीका भी बिल्कुल अलग और अलौकिक है। इस अलौकिक पढ़ाई की विभिन्न योग्यताओं को, इसकी धारणाओं को और विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा और अधिक गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 24 जून 74 के महावाक्यों के बारे में। इसका टॉपिक है राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी। भाई साहब, स्टार्टिंग में परमात्मा ने भिन्न भिन्न तरह के योग के बारे में बातचीत की है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे योग की महिमा करते हैं कि वह सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग, विज्ञान योग और बुद्धि योग है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इन सभी योगों को थोड़ा स्पष्ट करें। सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग, ज्ञान योग और बुद्धि योग। परमात्मा ने जो हम सब बच्चों को योग सिखाया जी, उसको राजयोग कहते हैं। हाँ जी। और राजयोग के अंदर सहज शब्द आता है कि योग बहुत सहज है, स्वतः है। जब हम परमात्मा के स्नेह और संबंध में आते हैं, समीप आते हैं, तो उनकी याद नेचुरल रहती है, स्वतः रहती है, इसलिए उसको सहज योग कहा जाता है। और जब हम कर्म क्षेत्र पर कर्म करते परमात्मा की याद में रहते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है। निरंतर अमृत वेले से रात्रि तक भिन्न भिन्न स्वरूपों से अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो निरंतर योग हो जाता है। और ऐसे ही ज्ञान और योग दोनों अगर ज्ञान युक्त होकर के, ज्ञान को स्वरूप में ला करके फिर परमात्मा को यथार्थ विधि पूर्वक याद करते हैं तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। सिर्फ बुद्धि से पहचान करके, दिमाग से याद करते हैं तो बुद्धि योग कहलाता है जी। तो परमात्मा हम सबको सिखाए एक ही योग रहे हैं, राजयोग। हाँ जी। लेकिन भिन्न भिन्न कर्म के अनुसार और भिन्न भिन्न हमारी स्थितियों के अनुसार इस योग को अलग अलग नाम दिए गए हैं। है एक ही योग जिसको राजयोग कहा जाता। कभी सहज लगता है, कभी निरंतर हो जाता है, कर्म में कर्मयोग हो जाता है। इस प्रकार से इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सर, परमात्मा कहते हैं कि जैसे कि डॉक्टर्स में और मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, उसी रीति यहाँ भी योगियों में कर्मयोगी और बुद्धि योगी हैं। कई बार हम लोग बुद्धि से परमात्मा को याद करते हैं लेकिन जब कर्म में जाते हैं तो भूल जाते हैं जी। परमात्मा चाहते हैं कि बुद्धि से तो याद करो लेकिन कर्म में जाते हुए भी आपका योग निरंतर लगा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कर्म छूट जाए फिर योग में बैठ जाओ, या योग कर रहे हो तो कर्म छूट जाए। दोनों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। कर्म के समय योग रहे और योग के समय भी मनसा द्वारा हम सेवा करें तो भी कर्म योग कहलाता है। तो परमात्मा हम सबको कर्म योगी बना रहे हैं। बिल्कुल। तो कर्म योगी, राजयोगी और बुद्धि योगी। बुद्धि वाले तो केवल दिमाग से, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, परम धाम निवासी है, सिर्फ एकांत में जाकर के उसी याद में रहते हैं जी। वो सिर्फ बुद्धि योगी हैं। लेकिन जो कर्म करते, कर्म क्षेत्र में रहते हुए परमात्मा को प्यार से, उस सर्व संबंधों से याद करते, वो कर्मयोगी कहलाते हैं। यानी योग के आधार पर ग्रेड्स बनते हैं जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि यहाँ भी कोई तो सभी लक्षणधारी हैं और कोई एक या दो, लेकिन सब नहीं। जैसे कि किसी का बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वह सहज योगी नहीं, या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। जिस प्रकार की उसकी अपनी चिंतन धाराएं हैं उसी प्रकार से उसका योग सहज है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। अगर ज्ञान का चिंतन ही नहीं है जी, ज्ञान का सुमिरन नहीं है, तो उसको ज्ञानी योगी नहीं कहेंगे। ज्ञान योग साथ साथ नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान और ज्ञान के चिंतन के साथ, ज्ञान के सुमिरन के साथ हम परमात्मा को पहचान करके याद करते
तो ज्ञान योग कहलाता है। ऐसे ही बुद्धि से परमात्मा को यथार्थ जो है जैसा उसको पहचान करके याद करते हैं, बुद्धि योग कहलाता है। तो इस प्रकार हर कर्म के अंदर हर समय के अनुसार जो परमात्मा के साथ संबंध है, स्नेह है, उसकी प्राप्तियों का अनुभव हो रहा है, उसके आधार से हम सहज योगी, निरंतर योगी, कर्म योगी का टाइटल प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। फिर परमात्मा कहते हैं कि जैसे राजयोग अर्थात जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है तो वह भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। अब तो यह चेक करो कि क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूँ। कई बार हम लोग राजयोग करते हैं, माना अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करके परमात्मा की याद में रहते हैं जी, लेकिन परमात्मा ने सभी बच्चों को सिखाया राजयोगी है, प्रजा योग ने सिखाया जी। प्रजा बन जाती है क्योंकि नंबर वार होते हैं योग में। परमात्मा चाहते योग इतना पावरफुल मेरे बच्चों का हो, योग के अंदर वो शक्ति हो जो स्वयं की हर कर्मेंद्री पर उनका कंट्रोल हो, मन पर, बुद्धि पर, स्थूल कर्मेंद्रियों पर, ज्ञान इंद्रियों पर, जिसका सब पर कंट्रोल है, सब पर राज्य है, वो राजयोगी कहलाता है। तो राजयोगी के साथ साथ अगर हम इस समय ये सभी जो टाइटल्स हैं, सहज योगी, निरंतर योगी, ज्ञान योगी, सभी टाइटल्स को ले लेते हैं तो नेचुरल है कि भविष्य पद हमारा इस योग के आधार से श्रेष्ठ बन जाएगा। तो परमात्मा हम सबको इस समय राजयोगी बनाते हैं, नहीं तो अगर कोई भी कमी है तो उसको योगी कहेंगे लेकिन राजयोगी नहीं। भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि अब लिस्ट निकालो कि आपने अपने में कितने टाइटल धारण किए हैं और फिर चेक करो कि आप में किस में कमी है। टाइटल भी तब मिलता है जबकि उसमें पास होते हैं। तो जब आपको भी अपनी सहज योगी की स्थिति दिखाई दे और सभी यह महसूस करें कि आपका सहज योग है तभी पास कहेंगे। ऐसे ही ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा है या उसकी उपमाएं हैं, क्या वह सभी मैंने अपने में धारण की हैं? एक है खुद को कहना कि मैं सहज योगी हूँ जी, ज्ञान योगी हूँ, लेकिन एक है हमारे संबंध संपर्क वाले भी ये अनुभव करें कि ये कर्म कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं और उनका योग परमात्मा के साथ लगा हुआ है जी, हमारे वाइब्रेशन से उनको अनुभव हो जी। तो परमात्मा ये चाहते हैं कि केवल अपने तक नहीं कहो कि मैं सहज योगी हूँ, मैं राजयोगी हूँ, लेकिन आपके व्यवहार से दूसरों को भी पता चलना चाहिए कि इनका योग बहुत सहज है, सहज योगी हैं, कर्म कर रहे हैं, इनका योग परमात्मा से लगा हुआ है। उनके सारे टाइटल्स जो उनकी ज्ञान योग की शक्ति है वो उनके जीवन से दिखाई दे। हम कहें हमारा साथ योग जो है हमारा ज्ञान से संपन्न है, ज्ञानवान बन करके हम परमात्मा की याद में रहते हैं, तो ज्ञानी आत्मा के लक्षण भी तो दिखाई देने चाहिए। अगर हमारे ज्ञान स्वरूप स्थिति है तो हर कर्म में समझ यूज करेंगे, कहते हैं सोचो समझो फिर करो। ज्ञानी आत्मा ऐसे नहीं कह सकती है कि कर दिया, हो गया, चाहता नहीं था, ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ योग सहज लगता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को सहज योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, बुद्धि योगी बना रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को भी पता चले, केवल हम न समझें कि हम ही तो हैं, हम ऐसे हैं ऐसा न समझें, लेकिन हमसे दूसरों को भी प्रेरणा मिले और उनको लगे कि ये जो कह रहे हैं वो हैं। बिल्कुल। फिर सब इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि सहज योगी, राजयोगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल हैं वह आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप में होने ही चाहिए, जिससे कि अन्य आत्माएं भी ये महसूस करें, वह सर्टिफिकेट प्रदान करें कि हाँ यह सब लक्षण इसमें हैं कम से कम, क्योंकि परमात्मा ने हमारी इस दिनचर्या को 3 भागों में बांट करके दिया जी। 24 घंटे की दिनचर्या है जिसमें 8 घंटे शरीर के लिए, नींद के लिए, जो भी हम स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, नींद करते हैं, वो 8 घंटे के अंदर आता है जी।
बाकी समय जो 16 घंटे का है वो 8 घंटे परमात्मा के तक कम से कम परमात्मा की याद में भिन्न भिन्न रूप से ये जो अनुभव हैं, ये जो टाइटल्स हैं, उसका अनुभव खुद भी करो और दूसरों को भी कराओ जी। और 8 घंटे हैं शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, लेकिन उस शरीर निर्वाह के कर्म में भी योग समाया हुआ हो। ऐसे नहीं कर्म में इतना लीन हो जाए, इतने तल्लीन हो जाए जो योग छूट जाए, वो योगी के लक्षण कर्म के अंदर भी दिखाई दे जी। तो परमात्मा ने हम सबको 8 घंटे तो कम से कम सभी टाइटल्स जो योग के हैं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई दे, उस पर जोर दे रहे हैं। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जो महारथी हैं अर्थात पास विद ऑनर होने वाले हैं तो उनकी नींद का टाइम भी योगयुक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर वह स्वयं परमधाम में है और उनको योग की ही महसूसता होगी। वास्तव में निद्रा योग इसको कहते हैं जी। मम्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने ये अभ्यास करके दिखाया। कभी भी इतनी गहरी नींद में नहीं चले जाते थे जो उनको कुछ पता ही नहीं चले जी। लेकिन ऐसे लगता था जैसे ये बिल्कुल योग युक्त होकर के उस मुद्रा में लेटे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा का एक पोजीशन उस नींद का दिखाया हुआ है कि टांग पर टांग चढ़ी हुई है और एकदम जैसे विष्णु की तरह लेटे हुए हैं। कोई भी बच्चा अगर सामने से क्रॉस कर गए, बाबा फट से ऐसे देख करके बोलेंगे, आओ बच्चे। नींद के समय में ही जागृत अवस्था रही जी। तो वो स्थिति जो है जितना हम अभ्यास करते जाते हैं इस देह से डिटैच होने का। हाँ जी। और जब हम नींद के समय नींद कहने जाते हैं तो जितना अभ्यास हमने किया है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर के परमधाम में जा रही हूँ जी, विश्रामपुरी में जा रही हूँ, तो जैसे शरीर यहाँ है और मैं आत्मा वतन का सैर कर रही हूँ, इसको कहते हैं निद्रा योग। जाते समय अनुभव होता है इस शरीर से मैं निकल के ऊपर जा रही हूँ, और जब आँख खुलती है तो अनुभव होता है जैसे मैं ब्रह्मलोक से, परमधाम से, इस साकार वतन में, इस तन में प्रवेश कर रही हूँ। मैं ऊपर से आई हूँ यहाँ पर पाठ बजाने के लिए, मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ जी। तो जो निद्रा योग है उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे अगर स्वप्न भी आएंगे तो बहुत बाबा के स्नेह के, प्यार के, सेवा के, जो हमने सुना है पढ़ा है उसके स्वप्न आएंगे, कोई व्यर्थ स्वप्न हमें परेशान नहीं करेंगे जी। तो निद्रा बहुत हल्की और ऐसा लगता है योग में लेटा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। भाई साहब इसी को स्पष्ट करते हुए परमात्मा कहते हैं कि जैसे गायन है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्मा से ब्राह्मण अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पाठ पूरा कर कर्मेंद्रियों से अलग होकर जाता हूँ अपने पार ब्रह्म में, और जब अमृत वेले उठेंगे तो महसूस करेंगे कि मैंने यह आधार लिया है पाठ बजाने के लिए, तो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बन कर आए हैं। जैसे परमधाम से जब आत्मा आई जी तो ब्रह्मलोक उसको कहते हैं, और ब्रह्मलोक से अमृत वेले जब आँख खुली सवेरे उठे तो जैसे मैं ब्राह्मण अवतरित हुआ हूँ जी, तो ब्रह्म से ब्राह्मण आ गए। रात को सोते समय इस देह से डिटैच हुए ब्रह्मा के बच्चे अपने ब्रह्मलोक में चले गए जी, और सवेरे उसी स्मृति से जागृत हो जाएंगे, तो इसको निद्रा योग कहते हैं। नींद में भी जैसे जागृत अवस्था है और योग युक्त अवस्था है जी। तो उस आत्मा से ऐसे अनुभव होगा। कई आत्माओं को योग निद्रा वाली आत्माओं का दर्शन होता है। परमात्मा हमेशा हमें ध्यान खिंचवाते थे सोने के समय, जब बाबा सोते थे तो अपना दृश्य भी कई बार हमें बताया है कैसे बाबा विश्राम कर रहे हैं, गहरी नींद ऐसी नहीं है जो कुछ सुध-बुध भूल गई है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी उसका अभ्यास किया और हमारी दादियों ने भी किया, और बहुत स्वच्छ होकर के, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, अपना सारा चार्ट परमात्मा को अर्पित करके, जो हमने सारे दिन में कर्म किए हैं, जो कुछ भी हुआ है, वो सारा पोता मेल हिसाब किताब लिख करके बाबा के आगे हम रख दें जी। और फिर उसी स्मृति के साथ इस देह से डिटैच हो जाएं, नींद में चले जाएं, और फिर नींद खुले
तो ये अनुभव हो कि जैसे मैं ऊपर से इस सृष्टि मत पर अवतरित हुआ हूँ। तो ये अभ्यास, इसको ही निद्रा योग कहते हैं। बहुत सुंदर भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि यहाँ से तो जाकर वे सीधे देवता बनेंगे, लेकिन यह इस समय के ही अष्ट रत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज़्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना, क्योंकि कभी भी उनको नींद में है ये कभी किसी ने अनुभव नहीं किया जी। मातेश्वरी जी के लिए भी कहते थे 2 बजे उठ करके, हाँ जी, छतों पर जाके वो तपस्या करती थी एकांत में, बहुत थोड़ी नींद जो शरीर के लिए ज़रूरी है उतना किया और फिर अपने पुरुषार्थ में लग गए। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कभी भी चले जाएं, कोई बच्चे अगर 2 बजे भी आते थे बाबा से तो ऐसे देखते थे जैसे बाबा जग रहे हैं जी, अनुभव कराते थे। तो हम सबको भी बाबा कहते प्रैक्टिस करो, अशरीरी बनने का अगर अभ्यास कर लोगे तो 8 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेकंड में भी आप थकान से मुक्त हो सकते हो, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिल्कुल भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसे ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव तो करते हो ना कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है, नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया और उसने वैसा ही किया तो मानो कि वह कर्मयोगी है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले होंगे तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व कर्मयोगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं, और बाकी थर्ड ग्रेड वालों को तो तुम जान ही सकते हो। जो फर्स्ट ग्रेड वाली आत्माएं हैं जो संकल्प करेंगी वही कर्म होगा, वही बोल होगा जी। कर्मयोगी की परमात्मा निशानी सुना रहे हैं, हाँ जी, कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के कर्म न किया जाए जी। अगर हमने मान लो कहते हैं कि हम चाहते नहीं थे हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता था बोल दिया, सुनना नहीं चाहता था अंदर चला गया, तो ये हो गई अधीनता। जब हम कर्मयोगी हैं तो कर्मयोगी माना हमारा कर्म के समय परमात्मा से कनेक्शन है, उसकी शक्तियां हमारे साथ हैं, तो कोई भी कर्म इंद्रिय के अधीन होकर के आत्मा कर्म नहीं करेगी, अधिकारी बनकर के कर्म इंद्रियों से कर्म कराएगी तब उसको कर्मयोगी कहा जाएगा। अगर अधीनता है, कोई कर्म के अधीन है, कोई सेवा के अधीन है, और अधीनता तो हमेशा दुखी देती, परेशान करती है। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अधीन नहीं बनो, अधिकारी बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, करा करके फिर अलग हो जाओ, तब कहेंगे कर्मयोग। बिल्कुल, तो सब परमात्मा कहते हैं कि क्या अपने को बेगमपुर के बादशाह समझते हो? बैगर के साथ बादशाह भी बैगर बनने की बातों में बादशाह नहीं, और ना ही बादशाह बनने की बातों में बैगर ही बनना है। यही बुद्धि का कमाल चाहिए। वास्तव में बेगर हम सब इस समय देह अभिमान से बनते जी। जो देह अभिमान है जिसके कारण हम समझ रहे हैं हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हद के देह अभिमान के कारण आज लोगों के अंदर मैं पना गया है जी। मेरी बुद्धि की कमाल है, मेरी विशेषताएं हैं, मेरी सेवा है, मेरी नौकरी है, मैं इस पद पर हूँ, इस पोजीशन पर हूँ। परमात्मा कहता है इन बातों से अभी बेगर बन जाओ, और मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ हर कर्म इंद्रिय का, उस सम्मान में राजा ही बादशाह ही, उस स्मृति में रहो। तो कहाँ पर बादशाह बन करके रहना है, कहाँ पर बेगर बन करके रहना है। बेगर ऐसा नहीं है कि हम कोई मांगने वाले बेगर हैं, लेकिन बेगर जिन बातों की स्मृति से हमें बेगर बनना है। कई ऐसी बातें हैं जिनके अंदर आज अभिमान दिखाई देता है, मैंपन दिखाई देता है, उन बातों से बेगर बनना है। स्थूल में बेगर नहीं है, ज्ञान धन है, गुणों का धन है, सब धनों से हम संपन्न हैं, संपत्तिवान हैं जी। लेकिन बेगर हैं कि हम दुनिया की ज्ञान से बेगर हैं, जो दुनिया की बातें हैं उनसे हम बेगर हैं, वो हमको पता ही नहीं है। बिल्कुल, तो परमात्मा हम सबको कहते हैं तुम मेरे बच्चे बादशाह हो,
लेकिन जहाँ बेगर बनना वहाँ बेगर, जहाँ बादशाह बनना वहाँ बादशाह। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लो। इसके लिए मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए? इसमें चाहिए निर्णय की शक्ति। जब पहले यह जानो कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, तो उस प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तभी तो विजयी बन सकेंगे ना। निर्णय शक्ति समय पर काम करना चाहिए जी। इस समय मेरा कौन सा स्वरूप होना चाहिए जी? इस समय मुझे सरलता से काम निकालना है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं निर्णय शक्ति समय पर काम करे। वो तभी करेगी जब बहुत बुद्धि स्वच्छ साफ होगी जी। डिस्टर्बेंस होगी तो बुद्धि, थकी हुई बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती जी। तो इसलिए बुद्धि को बहुत लाइट रखना है, हल्का रखना है, जो समय पर यथार्थ निर्णय दे सके। तो निर्णय के आधार से ही राइट और रॉन्ग कर्म होते हैं। क्योंकि बिना निर्णय के अगर कर लिया, बिना सोचे समझे कर लिया, निर्णय नहीं लिया, तो कहीं भूले हो सकते, कहीं पाप हो सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? इसके लिए मुख्य बात अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज़ जितनी साफ होती है तो उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात निर्णय सहज हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई ही नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी? सच्चाई की। वास्तव में सफाई कोई स्थूल बात यहाँ नहीं है, बुद्धि की सफाई जी। ना बुद्धि के अंदर कोई भी व्यर्थ बातों का किचड़ा न हो, किसी की कमी कमजोरियां नोट न हो, किसी की बातों का प्रभाव न हो जी। अगर किसी चीज का भी प्रभाव बुद्धि पर है, मानो वो साफ बुद्धि नहीं है जी। चाहे अच्छाई का भी प्रभाव होता है, कोई की बुराई का प्रभाव होता है, फिर हम निर्णय देंगे तो उसी दृष्टिकोण से देंगे। बिल्कुल, कि ऐसा है ये, फिर हम निर्णय दे देंगे। तो गंदी बुद्धि, माना उसके अंदर बहुत सारी बातें भरी हुई हैं, कोई ने कोई बात मुझे सुना दिया, मैंने उसको सोच लिया, वो व्यक्ति सामने जब आया उसी तरह से हमने उसके बारे में बोल दिया, माना निर्णय ठीक नहीं हुआ। इसलिए पहले बुद्धि बिल्कुल साफ रहे। हर आत्मा निर्दोष है, हर आत्मा का अपना विशेष पार्ट है। मुझे जो उसके लिए कहना है वो बिल्कुल राइट जजमेंट हो, निर्णय तो तभी यथार्थ माना जाएगा। लेकिन उसके लिए उसकी विशेषताओं पर ध्यान जरूर जाए। कमी और कमजोरियां नोट रहेंगे तो यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन वो सफाई जो है वो सच्चाई के आधार पर हो, जो सत्य समझ है, जो सत्य श्रीमत है, उसके अनुसार निर्णय लिया जाए, श्रीमत का उल्लंघन ना हो। इसलिए सच्चाई को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सच्चाई ऐसे नहीं कि हम सच्चे हैं या ये सच्चा है या नहीं, वो सच्चाई नहीं। लेकिन सच्चाई माना जो परमात्मा की श्रीमत है, क्या उसके अनुसार मैं यथार्थ निर्णय दे रहा हूँ? तो सादगी, सफाई और सच्चाई, ये दोनों बातें हमारी निर्णय शक्ति को बढ़ा देती हैं, और यथार्थ निर्णय इन्हीं दोनों के आधार से किया जा सकता है। बिल्कुल भाई साहब। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जितनी निर्णय शक्ति उतनी सफलता होगी। सच्चाई और सफाई है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी परसेंटेज में है यह चेक करने से नंबर स्वतः ही निकल आएगा। पर सब आज हमने बहुत ही गहराई से जाना कि भिन्न भिन्न प्रकार के योगों में हमें परफेक्ट कैसे बनना है, सच्चा राजयोगी कैसे बनना है। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि पास विद ऑनर होने के लिए हमें ज्ञान और योग के जो भी टाइटल्स मिले हैं उन्हें पूर्ण रूप से अपने जीवन में धारण करने हैं। परमात्मा ने कहा कि महारथियों को माता पिता के समान, नींद को भी योग में बदलना है, फॉलो फादर करना है। और यदि निर्णय शक्ति को हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सच्चाई और सफाई जीवन में धारण करनी है, तभी हमें सफलता मिलेगी। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर आएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, योग और योगियों के प्रकार, सहज योग,
निरंतर योग, कर्म योग, ज्ञान योग और बुद्धि योग। किसी का बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वह सहज योगी नहीं, या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए बुद्धि में सच्चाई और सफाई धारण की हुई है तो निर्णय शक्ति आ जाएगी। महारथियों की नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उसे थकावट नहीं होती। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 3075 10, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।